Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So, we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Study Class 1. Aaj hum chapter number 12 start karenge aur chapter ka naam hai Plants Around Us. हमारे आसपास हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, अब हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सम एंड सब्सटेंस, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे प्लांट्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट, अदर काइंड ऑफ प्लांट्स, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आप पढ़ेंगे व्हाट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, प्लांट्स को उगने में कौन हेल्प करता है। और हम पढ़ेंगे हाउ टू टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, पौधों की देखभाल कैसे की जाए, इन सब के बारे में आप अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एक क्वेश्चन, जो क्या है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडर द सॉइल। पार्ट मतलब वो भाग, पौधे का वो कौन सा भाग है जो सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर होता है, आपको उसका नाम लिखना है। प्लांट अराउंड अस, पौधे हमारे आसपास होते हैं, तो वो कैसे होते हैं चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है, वो सांस लेते हैं। दे ऑल्सो ग्रो लाइक अदर लिविंग थिंग्स, ऑल प्लांट्स आर नॉट द सेम, लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट्स भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं होते, दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, वो अलग अलग आकार और आकृति के होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ पेड़ पौधे बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, फिंगर्स, ये सब क्या हैं, हमारे बॉडी पार्ट। उसी तरह पौधों के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स हैव रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, पौधों की जड़, तना, पत्ती, फूल और फल होते हैं, ये सब क्या है, पौधों के भाग हैं। देखिए सबसे सुंदर भाग होता है फ्लावर, फूल, और ग्रीन कलर्स की क्या होती हैं, लीव्स, लीव्स पौधों के लिए खाना बनाती हैं। फ्रूट पेड़ों पर क्या लगते हैं, फल लगते हैं। और पौधे का वो हरा भाग जो पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है, उसे हम कहते हैं स्टेम, तना। और पौधे का वो भाग जो मिट्टी के अंदर होता है, सॉइल के अंदर, वो होती है रूट्स, जिसे हम जड़े कहते हैं। नाउ इंटरप्रिटेशन, While playing in the park, do not step on the small plants around us. जब आप पार्क या मैदान में खेलें तो छोटे पौधों पर पैर नहीं रखना चाहिए। Now we will learn about big plants and small plants. अब हम बड़े पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे और छोटे पौधों के बारे में। Trees, trees क्या होते हैं? बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, बड़े पेड़ों को हम क्या कहते हैं, ट्री, वृक्ष कहते हैं। मोस्ट ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत से पेड़ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं। ट्रीज हैव मैनी थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक, ट्रीज की बहुत सारी मजबूत शाखाएं होती हैं जिसे हम ट्रंक कहते हैं। मैंगो, अशोका एंड नीम आर सम ट्री वी सी अराउंड अस, आम का पेड़, नीम का पेड़ और अशोका का ट्री हम मोस्टली अपने आसपास देखते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट शब्स, शब्स क्या होते हैं? प्लांट्स स्मॉलर देन ट्री आर कॉल्ड शब्स, वृक्षों की अपेक्षा जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम शब्स कहते हैं। Some common shrubs are rose, hibiscus, cotton, holly basil, जिसे हम तुलसी कहते हैं, and henna, मेहंदी, गुलाब, hibiscus, cotton, मेहंदी और तुलसी का पेड़,
किसका उदाहरण है? शब्स का उदाहरण है। ये पौधे छोटे होते हैं किसकी अपेक्षा? पेड़ों की अपेक्षा। नाउ वी विल लर्न अबाउट हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर प्लांट विच आर स्मॉलर देन शब्स। मिंट एंड कोरिएंडर आर सम एग्जांपल ऑफ हर्ब्स। शब्स से छोटे पौधे जो होते हैं उन्हें हर्ब्स कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं और इनका तना बहुत मुलायम होता है। जैसे मिंट मतलब पुदीना और धनिया, ये बहुत पत्तीदार होते हैं, छोटे पौधे होते हैं और बहुत कोमल होते हैं। नाउ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स क्लाइम ऑन अ वॉल और अदर प्लांट सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर। कुछ ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों का सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं या फिर वो दीवारों पर बढ़ते हैं, दीवारों पर चढ़ते हैं। देखिए जैसे अंगूर की बेल, इसको ऊपर बढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। मनी प्लांट के पेड़ को भी सहारे की ज़रूरत होती है, तो ऐसे पौधों को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। Now we will learn about creepers. Creepers क्या होते हैं? Some plants crawl along the ground. They are called creepers. कुछ पौधे ज़मीन पर ही फैलते हैं, ज़मीन पर ही क्रीप रेंगते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम creepers कहते हैं। जैसे pumpkin और watermelon. Watermelon मतलब तरबूज, इसकी बेल ज़मीन पर ही फैलती है और इनके ऊपर जो फल लगता है वो बहुत भारी होता है। आपने देखा है ना तरबूज कितने बड़े बड़े और कितने भारी होते हैं। नाउ वी विल लर्न अदर काइंड ऑफ प्लांट्स। अब हम कुछ और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स सच एज लोटस एंड वाटर लिली ग्रो इन वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट। लोटस कमल का फूल, वाटर लिली कमल का फूल और वाटर लिली, ये पौधे पानी में उगते हैं। लोटस क्या है? हमारा नेशनल फ्लावर है, ये पानी में उगता है, तो इसलिए इनको वाटर प्लांट्स कहते हैं। कैक्टस इज़ अ प्लांट दैट नीड्स वेरी लिटिल वाटर टू ग्रो। कैक्टस के पौधे को बढ़ने के लिए बहुत थोड़े पानी की आवश्यकता होती है। इट हैज़ मैनी थ्रोन्स, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे कांटे होते हैं, थ्रोन्स जिसे कहते हैं, और ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? कैक्टस का पौधा अधिकतर डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में पाया जाता है। नाउ वी विल लर्न व्हाट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। पौधे को बढ़ने के लिए क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्लांट्स नीड एयर वाटर सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो। पौधे को बढ़ने के लिए हवा पानी मिट्टी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। व्हाई डू वी नीड प्लांट्स, हमें पौधे क्यों चाहिए, किस लिए उनकी इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? तो चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स हेल्प अस इन मैनी वेज, बहुत तरह से पेड़ पौधे हमारी मदद करते हैं। प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए और खाने के लिए भोजन देते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड मैंगो ग्रोस ऑन ट्री, आम और सेब कहाँ लगते हैं? ट्रीज पर, वृक्षों पर लगते हैं। वी ऑल्सो गेट वेजिटेबल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स, हमें सब्जियाँ अनाज और दालें मिलती हैं, किससे? प्लांट से, पौधों से मिलती हैं। द ट्रीज गिव्स अ शेड व्हेन इट इज टू सनी आउटसाइड, पेड़ हमें छाया देते हैं कब? जब बाहर बहुत सारी धूप हो, बहुत तेज़ धूप हो या गर्मी हो, तो पेड़ हमें शेड देते हैं जिसे हम कहते हैं छाया देते हैं। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, उनको भी टाइम से खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान किसे रखना चाहिए? हमें रखना चाहिए। प्लांट्स हेल्प अस सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम,
प्लांट्स हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए. डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम अ प्लांट और अ ट्री. पेड़ों से फूलों और पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए. बहुत गलत बात है. अगर आप में से कोई बच्चा फूलों को तोड़ता है तो बच्चों नहीं तोड़ना चाहिए. वी मस्ट वाटर प्लांट्स रेगुलरली. रोज पौधों में पानी देना चाहिए क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. नाउ टाइम टू लुक ओवर. प्लांट्स ग्रो लाइक अदर लिविंग थिंग्स. दूसरी लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट्स भी बढ़ते हैं. वी शुड वाटर देम रेगुलरली. हमें पौधों में नियमित रूप से पानी देना चाहिए. वी शुड नॉट प्लक देयर फ्लावर्स और लीव. हमें पौधों की फूल पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए. नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर. अब हम लेसन के बेस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे. सबसे पहली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को चुनिए. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड. बड़े पौधों को हम कहते हैं क्या कहते हैं? शॉप्स ट्री हर्ब्स एंड नन ऑफ दीज. हम उन्हें ट्रीज कहते हैं, वृक्ष कहते हैं. हिबिकस इज अ हिबिकस क्या है? ट्री है, शब है, क्लाइंबर है या ऑल ऑफ दीज? तो हिबिकस क्या है? शब्स है. पेड़ों की तुलना ये छोटे होते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब. हर्ब का एग्जाम्पल है क्या? रोज, मनी प्लांट, मिंट या कैक्टस. हर्ब का एग्जाम्पल है मिंट. नंबर फोर, ट्रीज आर प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग एंड थिक. ट्रीज कैसा पौधा है जिसके स्ट्रॉन्ग और थिक होते हैं? क्या स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स या फ्रूट? तो ट्रीज की थिक होती हैं स्टेम, मतलब तना बहुत मजबूत होता है. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. अब हमें खाली स्थानों को भरना है हेल्प बॉक्स की हेल्प से. डैश आर लिविंग थिंग्स. क्या लिविंग थिंग्स है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. तो सही ऑप्शन है प्लांट्स. प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, हमारी तरह सांस लेते हैं और बढ़ते हैं. नंबर टू, ट्रीज हैव थिक स्टेम आर कॉल्ड. पेड़ों की मजबूत तना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हम उसे ट्रंक कहते हैं. TRUNK, ट्रंक. प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन टू. प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं किस लिए? टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए. BREATHE, ब्रीथ. नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योर सेल्फ. नाउ एक्सरसाइज सी, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. कुछ क्वेश्चन है, उनके लिए हमें वन वर्ड देना है, एक शब्द में उत्तर देना है. वेरी बिग प्लांट्स, बहुत बड़े पौधों को क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्रीज कहते हैं, वृक्ष कहते हैं. प्लांट्स स्मॉलर देन ट्रीज. वृक्षों की अपेक्षा छोटे पौधों को क्या कहते हैं? उन्हें हम शब्स कहते हैं. SHRUBS, शब्स कहते हैं. प्लांट्स स्मॉलर देन शब. शब से छोटे प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब. HERBS, herbs. Question number 4 and 5 you will do by yourself. So my dear kids, in this chapter we have learnt about different types of plants. हमने अलग अलग plants के बारे में पढ़ा और plants से related बहुत सारी चीजें पढ़ी. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then take care. Bye bye.